चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सबसे अच्छा पेनी स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली डबल होगा एंड उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो मेरे पास ये वाला एक सॉफ्टवेयर है, ट्रेंड लाइन। आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें से कौन सा कंपनी आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। आप अगर इसको सब्सक्रिप्शन लोगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या करना है ये ऐप से या ये सॉफ्टवेयर से। पहले मेरे रैडर पे आया है जो मार्केट कैपिटल सबसे लोएस्ट है, वो है 40 लाख का मार्केट कैपिटल डेटा सॉफ्ट एप्लीकेशन। ये आपको सारे ब्रोकर में नहीं मिलने वाले, बहुत ही कम ब्रोकर में मिलने वाले हैं। अगर मिले तो ख़रीद लेना, बहुत सही है। मैं इनका ऑल टाइम 5 ईयर ग्राफ दिखा रहा हूँ और इसका सुपर ट्रेंड एनालिसिस करवाता हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, ये जो है मार्च से लेके, अगर आप 5 ईयर का ग्राफ देखोगे, ये 17 तक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, जो कि 1.5 रुपए से लेके 50 पैसे तक था। एंड देन आफ्टर दैट ये बढ़ता गया, एंड देन थोड़ा सा ड्रॉप, एंड देन ये फिर से बढ़ता गया। अगर आप देखोगे 2018 से देख के 2020 तक, 2 साल में ये 4x का रिटर्न दे चुका है। अभी अगर आप 1 ईयर का बात करोगे तो ये 1 से डबल तो कर चुका है। इस पे ये बहुत ही कम ट्रेड होता है। अगर आपको मिल गया तो सही है, क्योंकि आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो सिर्फ 6,000, बहुत ही रेयर ट्रेड होता है, ये मोस्टली होता नहीं है। इसका नाम है डेटा सॉफ्ट एप्लीकेशन। अगर आपको इसका नंबर चाहिए देन ये वाला है 526443, ये लिख लीजिए कहीं भी, आपको काम आ जाएगा इजीली इसको ढूंढने में। देन दूसरा वाला कंपनी जो मुझे अच्छा लगा, ये BMB म्यूज़िक मैग्नेटिक्स, इसका इसका भी दिखा देता हूँ, सुपर ट्रेंड एनालिसिस पीरियड ऑफ 7। ये आपको मिल रहा है 2021 में, 1 मिनट, यस 5 ईयर के में ही है। इसका बहुत सारे लोज एंड डाउन है, पर इसका जो सपोर्ट है वो है 1.5 रुपये, 1 रुपये 70 पैसे। तो कभी भी अगर आपको 1 रुपये 70 पैसा में मिला तो ले लेना, क्योंकि ये बहुत बार इधर से जंप हुआ है। पहला हुआ है 2018 में, दूसरा हुआ है 2021 में। ये इस पे इन सब में से आप सिर्फ 10,000 या 20,000 जो अमाउंट आप रख रहे हो, ये सोच के रखो कि ये जा भी सकता है। पता है ये वो ये रिस्की है, ये वैसा TCS या इन्फोसिस के जैसा है नहीं, ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम ट्रेड होता है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 200,000 ऐसा होता है, पर अगर आपको मिल गया तो ये प्राइस के में अगर मिल गया 1.75 जो है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये रेयरली आपको मिलेगा। देखा जाए तो ये 2010 में आया था, 700 रुपये था इसका प्राइस, जो कि बहुत महंगा था। उसके बाद 11 रुपये तक गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा 16-18 पे, देन डाउनफॉल 4-5 पे रहा। एंड 2015 से ये 1 या 50 पैसे या 2 रुपये के आसपास ही है, और ये कभी बढ़ नहीं पाया। तो इसमें से आप शॉर्ट टर्म 6 महीने में एक बार ट्रेड हो सकता है, 10,000 डाल दीजिए, एंड देन 6 महीने बाद आप देखो वो 20,000 हो गया। कभी ज़ीरो हुआ नहीं, कभी डिलिस्ट हुआ नहीं। ये BSE में है, ये उनका कोड है 531420, 420 सही है, नाम भी सही रखा है। एंड इसका दूसरा जाते हैं, हाई स्ट्रीट फिलाटेक्स। इसका मोमेंटम स्कोर है 81, वैल्यूएशन है 33।
ये 80 रुपीज़ में मिल रहता है, 531, ये कोड ले लेना, 531301, ये कोड सर्च कर लेना। अभी इसका देखते हैं कि कैसा चल रहा है। मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में आप बहुत सारे स्विंग ट्रेड करके कमा सकते हो। ये बहुत दिन से लीन पीरियड में था, ये आई थिंक 2022 से बढ़ने लगा है, कुछ तो बात है इस पे। क्योंकि ये 9 रुपये 2019 में कोरोना के टाइम पे भी 9 से 13, 13 से फिर से 10 11 के बीच में ही था। एंड जब ये आई थिंक ब्रेक हुआ 16 रुपीज़ मई में, ये मई में जब ब्रेक हुआ 16.86 पे, वो सिर्फ 450 वॉल्यूम पे, एंड स्लोली स्लोली बढ़ता गया। आई थिंक कोई बेच नहीं रहा था, एंड ये बढ़ते बढ़ते 20 रुपये 16 रुपये आप ले लो, एंड देन ये 80 चला गया। 16 × 5 = 80 होता है, सो ये 500% तक बढ़ चुका है, 500% का गेन हो चुका है। ये बहुत ही सही है, अगर मुझे उस टाइम ये टूल मिल जाता है या पता चलता क्या है। ये ऑल टाइम का ग्राफ है जहाँ आपको दिख रहा है 2010 में आया था, ये भी वैसा उसके तरह ही है, बट ये भी 400 200 में आया था, दिन वो गिर चुका था 30 रुपये, आई थिंक 90% चला गया था, दिन थोड़ा बड़ा, दिन ये कंसोलिडेशन में ही था। दिन जब ये इधर से ब्रेकआउट हुआ, ये आपको दिख रहा है ये चार्ट 2014 में गया, 2014 का जब ब्रेक कर दिया इसने 36 से, ये स्ट्रेट गया 3 3x कर दिया। देन जब कुछ चीज़ बहुत हॉकी स्टिक के जैसा रिटर्न देता है, देन वो नीचे भी जाता है, एंड वो आ चुका है फिर से जहाँ वो था 30 रुपये। देन वो फिर से वो बनना चाह, अगर आप खरीद सकते थे क्योंकि वो बाउंस बैक था नीचे। अब कभी भी कोई स्टॉक का डाउन खरीद नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं वो डाउन किधर तक जाएगा। देन अगर आपको वो जो रेजिस्टेंस है उधर से अगर जंप होता है, देन ही आप खरीद लो। क्योंकि ये जो था 2014 का एंड ये जो है 2015 का आसपास सिमिलर है, एंड वो ब्रेक हो रहा है। इवन ये 2011 में भी जो आया था, ये इसके ऊपर ब्रेक हुआ है। अगर आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो, ये और ये, ये और ये, एंड ये यहाँ से लेके 2015 फिर से गया, आई वुड से लाइक 3x, 3 नहीं 2x, 2x, 200%, एंड देन वो फिर से गिर चुका है। आपको बेचना था जब भी कुछ चीज़ ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसके आसपास ही ब्रेक होना चाहिए था। कोई भी चीज़ इतना जल्दी 300 200% जा रहा है, वो भी पेनी स्टॉक जैसा, रहना नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ये लालच ही है जो आपको डुबाएगा। ये गिर चुका था 2015 नवंबर के बाद, एंड ये दिन पूरा कंसोलिडेशन हुआ, एंड ये पता नहीं इनको क्या हो गया, मई महीने से ये दौड़ते जा रहा है, एंड अभी 1 अगस्त 80 है। अभी आप बोलोगे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, अगर आपको मिलेगा तो सही है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम है। ख़रीद लो जब तक चल रहा है 80 95 80 तक नहीं जाता है, 80 तो 670 चल रहा है अभी, ज़्यादा कुछ है नहीं। पर अगर अगर आप देख रहे हो कि 100 रुपीज़ के ऊपर जा रहा है, आई वुड से थोड़ा वेट करो, थोड़ा ऐसा पुल बैक आएगा, एंड बहुत कम पैसे दो। अगर आपको अभी जाना है तो आप बहुत कम पैसे दे के जाओ, जैसे 5,000 4,000 के आसपास, एंड देखो कैसा ये बिहेव करता है, क्योंकि वो अमाउंट आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। बट अगर आपको दिख रहा है कि वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, देन एवरी 20 रुपीज़ पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ। टोटल अगर आपका कैपिटल है 10,000, देन 2,000 दो, उसके बाद थोड़ा 2,000 दो, एवरेज आउट हो जाएगा 100 से 200, 150 के आसपास, 110 के आसपास। पूरा ऑल इन जाते हो ग्रीडी के वजह से, एंड पूरा आपका डूब जा सकता है क्योंकि इसका वैसा हिस्ट्री है फुल कोलैप्स का। एंड लास्ट स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है सही है, सोनल एडेसिव, इसका वैल्यूएशन स्कोर सही है, ग्रीन एंड मोमेंटम बहुत सही है।
सुनो, लेट इज सेफ बीएससी का है 526901। यस, ये लिख लीजिए कहीं भी, 526901 सोना रेडिस सेफ लिमिटेड। आप पूछो कि ये सब जो कंपनी में बता रहा हूँ इस ये लोग क्या करते हैं, मैं बोलूँ टेक्निकल देखो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्निकली है जो आपको पैसे कमा के देगा, फंडामेंटल कुछ हेल्प नहीं करता। बहुत सारे कंपनी है जिसका फंडामेंटल बहुत सही है पर वो नीचे ही पड़ा है। आपको पैसे चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस पे करना है, तो आपको फंडामेंटल के जगह टेक्निकल देखना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको इमीडिएट पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक बहुत पेनी स्टॉक है, बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब ट्रेंड में रहता है तभी आप खरीदो, तो श्योर शॉट है मिलने का चांसेस हाई है। अगर आपको डे टू डे इनकम चाहिए तो आप फ्यूचर ऑप्शन में देखो, वो बहुत सही है। फ्यूचर बहुत कॉस्टली है, मैं बोलूँ ऑप्शन बाइंग। एंड अगर आप स्टॉक में जाना है देन आपको ब्लू चिप में देखो, तभी भी मैं बोलूँ ऑप्शन इज़ वे चीपर देन बाइंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक 10% डेली जाता नहीं है, 1-2% जाता है, वो आपको ज़्यादा देगा नहीं। अगर आप लेवरेज भी ले रहे हो 5x से तैसे होता, तो आई डोंट थिंक सो 5x से कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी बहुत पास ही रहेगा, अब वो टच होने का चांसेस बहुत हाई है। सो आई वुड से गो फॉर ऑप्शन अगर आप डे टू डे ऑपरेशन करते हो। ये मैं कर रहा हूँ अगर आपको पैसिवली बनाना है, आप 6 महीना देते हो, मैं 10-20 हज़ार दे रहा हूँ, मैं एक अपने बड्डा बोल रहा हूँ, बड्डे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, 20-30 हज़ार दारू में खर्चा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बचा के रख रहा हूँ, एंड मैं ये सारे में इन्वेस्ट करूँगा, देखता हूँ। वैसे भी अगर आप उड़ाते हो उधर चले, पैसा ख़त्म हो जाता है, देन आपको कुछ पता है मज़ा तो आएगा, पर ये इन्वेस्टमेंट करो ये बर्थडे पे, कुछ तो अलग करो, तो उसके हिसाब से मैंने ये बनाया। पता है कुछ भी चीज़ों से ऐसा नहीं करना चाहिए, देन उसके बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको सेलिब्रेट करना है एंड वो पैसे आप बचा रहे हो, देन यू कैन इन्वेस्ट हियर। ये है सोना लैटी सेफ, इसका 5 ईयर का ग्राफ बहुत सही लग रहा है, क्योंकि ये 5-6 रुपये करके पूरा आई थिंक 5 साल बिताया, एंड अप्रैल में ये 12 रुपीज़ से 60 रुपये चला गया, लाइक काइंड ऑफ 5x, 500%, क्या ही बताऊँ, 500% अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने में 500%। काश मुझे ये मिल जाता, बहुत सही है, बहुत सही पीरियड है, लाइक 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम जैसा लग रहा है। ये आया था 2008 पे 400 रुपये पे, 400 नहीं सॉरी 9 रुपये पे, 400 तो इसका वॉल्यूम था जब लिस्ट हुआ था, एंड देन 4 रुपये, 2 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये, ऐसा करते करते सोते रहा, ये कुछ किया नहीं, एंड देन ये जाग गया। लाइक मैं बोलूँ 8 से लेकर 18 तक 10, और वो है 4 साल, 14 साल वनवास में था, एंड 14 साल के बाद ये दौड़ रहा है, वनवास से आ रहा है, बहुत सही है। नाम है सोना लेडी सेफ, सेम पिरामिडिंग कीजिए, अगर आपको लॉस मतलब रिस्क के, आपका रिस्क अगर कम है तो वो सही रहता है। 52 वीक पे ये इन्होंने 817% दिया, मतलब 1000x के आसपास इनका रेवेन्यू हुआ है, 20 करोड़, प्रॉफिट हुआ है 6 करोड़, आई थिंक प्रॉफिट ही हुआ है इनका, जो इनका सही जा रहा है। पीवी रेशियो थोड़ा हाई है इंडस्ट्री के हिसाब से, मार्केट कैपिटल सिर्फ 30 करोड़ है, मुझे लग रहा है 100 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ एक राउंड फिगर होता है, 50 भी जा सकता है, बट बिलो इंडस्ट्री मीडियन है, क्योंकि इंडस्ट्री मीडियन आई थिंक बहुत ज़्यादा है, सो पता नहीं इंडस्ट्री मीडियन इधर से देखते कैसे है, बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे पता है ये सब सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी सब्सक्राइबर है नहीं, मैं भी एक बेस बनाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।